हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो क्वेश्चन हर एक के दिमाग में होता है। मैं 10 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें बताऊँ तो ये क्वेश्चंस बार बार मेरे सामने आए हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फेशियल क्यों करना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फेशियल कौन सी एज से हम स्टार्ट करें, और एक क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम में हमें फेशियल करना चाहिए। आज एक फेशियल किया है तो हम 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, 3 महीने में करें, मतलब हम कितने टाइम में फेशियल करें। तो ये 3 टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर आप ब्यूटिशियन हो तो भी आपको इतना ये जो टॉपिक है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और अगर आप फेशियल करवाते हो तो भी आपको ये टॉपिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलो आज हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है फेशियल क्यों करना चाहिए। तो फेशियल करने से क्या क्या इम्प्रूव होता है, तो स्किन टोन इम्प्रूव होता है, हमारा स्किन की इलास्टिसिटी जो है उसमें भी अच्छा फर्क आता है, और हमारी जो स्किन का टेक्सचर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो स्किन का टोन क्या है, तो जो आपका जो रेगुलर आपका जो टोन है, रियल टोन, वो आपका मेंटेन रहता है। और जो स्किन का टेक्सचर है, तो टेक्सचर क्या है कि टेक्सचर ये है, जैसे आप सरफेस समझ लो, जैसे ये फेस है तो ये हमारा जैसे सरफेस है, तो वो सरफेस समझ लो। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि जैसे आप टाइल्स है उसको ले लो तो वो एक सरफेस है ना, तो जैसे ये हमारे फेस का भी ये सरफेस है, तो वो जो है वो इम्प्रूव रहता है। तो और तीसरी जो बात है वो इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है कि जैसे हमने स्किन को ऐसे किया तो वो तुरंत ही, हम जैसे इसको छोड़ेंगे तो तुरंत ही वो अपनी जगह पे आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, मतलब स्किन का जो टाइटनेस। तो वो इसमें हमको इम्प्रूवमेंट मिलता है फेशियल करने से। अब हम बात करेंगे कि फेशियल करने से क्या क्या रिड्यूस होता है। तो आई स्किन जो नीचे डार्क सर्कल है उसमें फर्क लगता है, आपका जो ब्रिंकल्स आइज के नीचे अगर हो तो उसमें फर्क लगता है, हाइपर पिगमेंटेशन के डार्क धब्बे हो तो वो काफी हद तक लाइट होते रहते हैं जैसे जैसे आप फेशियल करवाते हो, तो वो अगर बढ़ रहे हैं ना तो भी उसमें फर्क आता है, वो इतना नहीं बढ़ते अगर आप फेशियल रेगुलर करवाते हो तो। डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उसमें भी काफी फर्क लगता है। डेड स्किन सेल्स हैं जो हमारे, जो भी हमारी स्किन है तो डेड स्किन तो होती ही रहती है, तो उसके ऊपर तो वो जो डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं, और ब्लैकेट्स एंड व्हाइटेड्स उससे भी हमको छुटकारा मिलता है। ब्लैकेट्स एंड व्हाइटेड्स क्या है एक्चुअली, वो ब्लॉक पोर्स है फेस में, जो भी है वो पोर्स जो ब्लॉक हो गए हैं तो वो है ब्लैकेट्स एंड व्हाइटेड्स। वो ज्यादा अगर उसमें कुछ है और ज्यादा ब्लॉक हो गए, ज्यादा डस्ट चला गया है तो वो ब्लैकेट्स होते हैं, और हल्का हल्का ब्लॉक होने ही लगा है अभी तो वो व्हाइटेड्स होते हैं। तो वो जो है वो निकलते हैं फेशियल करो तो। तो फेशियल करने से हमारी स्किन को काफी फायदा मिलता है। फेशियल करने से रिफ्रेश होते हैं और रिलैक्सेशन तो मिलता ही है मसाज से, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, स्ट्रेस भी कम होता है मसाज करो तो। तो फेशियल करने के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, तो फेशियल तो रेगुलर करना ही चाहिए। तो हमारा फेशियल के लिए दूसरा एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि फेशियल जो है वो कितने टाइम में हम करें, कितने ड्यूरेशन में हम करें। तो फेशियल कितने टाइम में करें ना, वो क्या है
कि एक्चुअली सबके लिए एक ही नहीं है। देखो इसमें देखी जाती है स्किन टाइप, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसका ड्यूरेशन अलग होगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसका ड्यूरेशन भी अलग होगा, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो भी वो अलग होगा। उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि जो फेशियल करवा रहे हैं वो वर्किंग लेडी है या हाउस वाइफ है या तो फिर टीनेजर गर्ल है, तो ये भी एक बात होती है कि फेशियल करने की कि कितने ड्यूरेशन हम कैसे सेट करें। मैं आपको उसमें ये सजेस्ट करूंगी कि आप जिनके पास रेगुलर फेशियल करवा रहे हो उनको आप ये पूरी डिटेल बताओ तो वो ही ये डिसाइड करें। पर फिर भी आपको अगर एक चाहिए ही कि नहीं भाई हमको तो एक टाइम चाहिए ही, आप एक टाइम बताओ वो हम रख ले, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एटलीस्ट 1.5 महीने में एक फेशियल जरूर करिएगा। तो हमें 1.5 महीने में एक फेशियल तो चाहिए ही, वैसे 1 मंथ में भी करते हो तो कोई बुरा तो नहीं है, पर हाँ 1.5 महीने में तो करना ही चाहिए। तो अब मैं बात करूंगी कि फेशियल है वो आप सलून में करवाओ या खुद से भी कर सकते हो, तो मैं बताना चाहूंगी कि खुद से भी कर ही सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। पर हाँ अगर आप प्रोफेशनल से करवाओगे तो फर्क तो आएगा, क्योंकि देखो जो काम है वो हर रोज कर रहा है कोई, तो उसका जो काम करने का जो तरीका है उसमें फर्क तो आएगा। आप करोगे तो महीने में एक बार 1.5 महीने में एक बार जो है वो करोगे, तो आप बाहर करवाओगे तो 100% फर्क तो आने ही वाला है। अगर आप सेट कर सकते हो बाहर करवाने का तो मैं यही ही आपको रिकमेंड करूंगी। तो अब हमारी बात आती है कि कौन सी एज से फेशियल करना स्टार्ट करना चाहिए। तो 16 से 20 एज तक मैं बोलूंगी कि आप क्लीन अप करवा सकते हो, और अगर आपको फेशियल करवाना हो अगर क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर 16 थोड़ा पिंपल्स वगैरह आने का स्टार्ट हो जाता है, और नोज के आजू बाजू ऑयली स्किन हो जैसे तो नोज के आजू बाजू व्हाइटनेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर फेशियल करवाना हो तो साल में एक बार एकदम माइल्ड फेशियल करवा सकते हो, और रेगुलर जो फेशियल की बात है वो तो मैं आपको ऐसा ही बोलूंगी कि आफ्टर 20 ही करवा हो, वो ही अच्छा रहेगा, और जैसे स्किन है वो टाइप को देख के आप उसमें आगे बढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब फेशियल और क्लीनअप में क्या फर्क है, तो अगर आपको ये नहीं मालूम है और अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा, तो मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल वीडियो, तो आपको ये भी मालूम पड़े कि क्लीनअप क्या है और फेशियल क्या है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं फेशियल के रिलेटेड तो वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो से। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो, और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसी यूजफुल वीडियो पोस्ट करूं तो वो तुरंत ही आपके पास आ जाए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक में नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।